हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम वंदा शर्मा फ्रॉम GCS स्कूल। आज हम इंग्लिश ग्रामर में आपको लीव एप्लीकेशन कराएंगे, यानी कि छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। तो सभी बच्चे अपनी अपनी इंग्लिश की ग्रामर की नोटबुक में इसको राइट करेंगे और लर्न भी करेंगे। हम ये जो आपको करा रहे हैं आपके सिलेबस में है और इंग्लिश ग्रामर की बुक में लास्ट में दी भी गई है आपकी एप्लीकेशन वगैरह। तो हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपको लिखनी आनी चाहिए स्कूल में लीव देने के लिए कि इंग्लिश में कैसे हम प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लीव एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए आपके उसमें नोटबुक में यहाँ एक फॉर्मेट बनाते हैं कि नहीं हम, जैसे तो यहाँ लाइन होती है फिर यहाँ भी लाइन होती है, तो उसके नीचे से हम स्टार्ट करते हैं। ये आपकी नोटबुक में ये लाइन होती है, ऐसे लाइन होती है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना टू, फिर यहीं से हम लिखेंगे आगे द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, फिर यहां लिखेंगे हम अपने स्कूल का नाम जी सी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ओके, और फिर यहाँ जहां पर हम रह रहे हैं उसका नाम तावड़ू। गॉट इट? यानी जहां पर आपका स्कूल है उस जगह का नाम। यहाँ अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम डेट, यहाँ डेट डालेंगे, जो भी डेट है आप जो भी है वो ही डेट डाल सकते हैं जब आपको जो लिखना है, यानी जिस दिन आपको ये एप्लीकेशन लिखनी होगी उसी दिन की आपको यहाँ पे डेट राइट करनी है। तो स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ पे डाल देते हैं हम 16 अगस्त 2020। अब सब्जेक्ट है हमारा लीव एप्लीकेशन। छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, सब्जेक्ट यानी विषय के मतलब जो हम ये जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो किस कारण हम लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं। तो ये लीव एप्लीकेशन है यानी हम छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं। अब स्टार्ट करेंगे रेस्पेक्टेड मैम, रेस्पेक्टेड मैम। यदि आपकी प्रिंसिपल मैडम है तो हम यहाँ पे मैडम लिखेंगे, अगर यदि आपकी प्रिंसिपल सर है तो हम यहाँ पर सर लिखेंगे, एम की जगह क्या लिखेंगे, रेस्पेक्टेड सर। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम आगे, आई बैग टू से दैट आई एम द स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टूडेंट टू ऑफ क्लास। एक बात और बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे ये रेस्पेक्ट में हम लिखा है तो उसके नीचे से ही, नीचे की लाइन से ही हम आगे लिखना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल इसके यहाँ से नहीं लिखेंगे, ये इसके नीचे की लाइन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ क्लास आपकी जो भी क्लास है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी क्लास है उसमें क्लास और सेक्शन लिखेंगे आप यहाँ पर, क्लास इन योर स्कूल, उसके बाद हम इसके नीचे ही नीचे लिखते जाएंगे। मैं यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ मिटा के, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है, इसलिए आप ऐसे ही नीचे नीचे राइट करते जाएंगे। योर स्कूल, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, फ्रॉम फीवर दैट FEVER फीवर दैट इज वे is why I am
एम नॉट एबल नॉट एबल टू अटेंड अटेंड द स्कूल टूडे आई ई यानी दैट इज यहाँ पे 16/8/2020 ये यानी दैट इज इसका मतलब है दैट इज। अब ये हमारी यहाँ जो लाइन खत्म हो गई, इसके बाद जब हम अगली लाइन लिखेंगे काइंडली ग्रांट मी, उसको हम नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे। तो यहाँ यू तो मेरी तो पूरी लाइन यहाँ तक आ गई, लेकिन अगर आपकी लाइन यहाँ तक भी रह जाती है और बाकी लाइन पूरी बचती है तो आप यहाँ से काइंडली लिखना स्टार्ट करेंगे, ताकि ऐसा हमें लगे कि नेक्स्ट पैराग्राफ से हम लिखना शुरू कर रहे हैं। यानी अगर जरा सी भी लिख के पूरी लाइन बचती है तो हम उसके आगे से यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे काइंडली ग्रांट मी लीव kindly grant me leave for one day next line से फिर हम यहां लिखेंगे thanking you Your obediently, ये यहाँ पे obediently यानी अब ये भी हम next line से ही लिखेंगे, यानी जो भी हम लिखेंगे वो next line से लिखेंगे, line को छूट रही है तो छोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम your obediently diligently यहाँ आएगा name, आपका जो भी नाम है वो अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे और क्लास और यहां पे सिग्नेचर पेरेंट सिग्नेचर पेरेंट्स सिग्नेचर। तो बच्चों ये हो गई आपकी लीव एप्लीकेशन, ये आपको लर्न जरूर करनी है जिससे कि कभी आपको स्कूल में लीव देने की जरूरत पड़े तो हम लीव इंग्लिश में दे सकें। तो आज की क्लास में इतना ही, टुडेज होमवर्क Learn and write, classwork in a notebook. आज के लिए इतना ही, see you tomorrow. Thank you.